अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिनाज और आप लोग देखें कुक नुशरा यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ बिरयानी, जो कि बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। इस रेसिपी को आप ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी को हम नए अंदाज में बनाएंगे, बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए। 1 किलो टमाटर है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, और 1 कप दही लिए, 20 से 25 अदरक मैंने हरी मिर्ची लिए, ये तेज़ वाली है, और 1 अदर मैंने नींबू लिए हैं, इसको बारीक बारीक काट लिए हैं, 10 अदर मैंने आलू बुखारे लिए, 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिए, 2 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई मिर्ची लिए, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिए, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 किलो बीफ का गोश्त लिया मैंने हड्डी वाला, जिसको मैंने नमक डाल के उबाल लिया है, 1/2 किलो मैंने आलू लिए हैं जिसको छील के काट लिए, पानी में डाल के रख दिया है, ये 20 से 25 अदद मैंने हरी मिर्ची ली जिसको पेस्ट बना लिए, 2 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए, 1 बादियाने का फूल है, 1 अदद मैंने जयफल का टुकड़ा लिया छोटा सा, और जावित्री के 2 पीस लिए मैंने, और ये 1 बड़ी इलायची लिए, 2 छोटी इलायची है, 8 अदद लौंगे लिए, 1.5 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिए वाइट ज़ीरा, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्ची लिए, इनको हम पीस लेंगे, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्ची लिए, 3 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए, और 1.5 टेबलस्पून मैंने जीरा लिए जर्दे का रंग है ये, और 1 बादियाने का फूल है, 5 अदद मैंने छोटी इलायची लिए, 1 कप तेल डालेंगे हम, इसको 5 मिनट के लिए गर्म करेंगे हम। तेल हमारा गर्म हो गया, हम इसमें टमाटर डालेंगे, और आज हम बिरयानी जो बना रहे हैं वो कराची की बिरयानी बना रहे हैं। कराची की बिरयानी में प्याज नहीं डलती, और इसमें हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्याज डालने से मीठी बिरयानी हो जाती है। कराची में जितनी बिरयानी मिलती है बाज़ार में, उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। टमाटरों को हम थोड़ा सा पकाएंगे, फिर बाकी मसाले डालेंगे इसके अंदर, और पेस्ट डालेंगे हम इसके अंदर, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, और ये हरी मिर्ची जो हमने पीसी थी इसका पेस्ट, तो सबको हम मिलाएंगे। खड़े मसाले जो हैं हमारे वो डालेंगे हम, अब हम इसमें डालेंगे नमक 2 टेबलस्पून, और हम उसमें चावल में भी डालेंगे नमक, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाला इसके अंदर, और पिसा हुआ धनिया डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और पीसी हुई मिर्ची, और ये आलू बुखारे हैं, अब इन सबको हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए अदरक लहसुन हमने जो डाला है और हरी मिर्ची डाली है, और सब मसाला भुन गया है हमारा, इतना भुनना है कि हमारी अदरक लहसुन की और टमाटरों की हीक ना आए। अब हम इसमें आलू डालेंगे, ये 2 गिलास मैंने पानी लिया, 1 गिलास हम इसमें पहले डालेंगे और 1 गिलास हम बाद में डालेंगे आलू गलाने के लिए, और जो हमने मसाला पीसा था वो भी डाल देंगे अंदर इसके अंदर, और इनके साथ हम गोश्त भी डाल देंगे, और इसको हम गलाने रख देंगे आलू को। अब हम इसको ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए आलू गलाने के लिए दरमियाने आंच पे। 3 लीटर मैंने पानी लिए, और 3 टेबलस्पून मैंने नमक लिया, नमक पानी में तेज़ होना चाहिए बिल्कुल, और 2 बादियाने के फूल लिए और 3 पत्ते लिए मैंने, ये डाल देंगे हम। अब हम इसको पकने देंगे, जब उबाल आ जाएंगे हम चावल डालेंगे। अब हम इसको ढक के रखेंगे पानी में उबाल आने तक, पानी में उबाल आ गया, अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल मैंने 1 किलो लिए, और गोश्त भी मेरा 1 किलो है, आपकी मर्ज़ी गोश्त ज़्यादा डाल लें, मैंने दोनों बराबर रखती हूँ, और चावल मेरा सेला है, चमक होती है उसके अंदर चावलों में। अब हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे, देखते हैं हमारे आलू गले नहीं गले। आलू हमारे गल गए हैं, इसमें दही डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, इन सबको मिलाएंगे हम। अब हम इसमें नींबू डालेंगे, और जो मैंने 1 गिलास पानी बोला था आपको वो डालेंगे हम,
अभी हम इसको ढककर रखते हैं और चावल को देखते हैं। चावल हमारे हो गए, चावल देखें हमारे, चावल के अंदर 4-5 कनी होनी चाहिए। चावल को अब हम छान लेंगे, थोड़ा सा हम जर्दे का रंग डालेंगे इसके अंदर और इसी के अंदर ये नीचे कलर वाला हो जाएगा बिरयानी हमारी। और पानी जो मैंने एक गिलास डाला है इसी के अंदर ये चावल पकेंगे हमारे, नीचे नीचे चावल पकेंगे। पुदीना डालेंगे थोड़ा सा और हरा धनिया। अब हम इसके अंदर चावल बिछाएंगे, तेल डालेंगे हम इसके अंदर। कम से कम मैंने ये तेल एक चिटार डाला है ऊपर ताकि हमारे चावल मुड़ेंगे नहीं। अब हम इसको ढक के रखेंगे, पाँच मिनट के लिए हम तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर हल्की आंच पे रखेंगे 10-12 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए, अब हम देखते हैं अपने चावलों को, तो माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चावल दिखाते हूँ मुझे बहुत अच्छे हैं इसके, ये देखें बहुत लंबा चावल बना है, बेहतरीन चावल बना है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें बिरयानी तैयार हो गई, बहुत मज़ेदार चटपटी बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर आऊँगी लौट के नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।